हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। दुआ करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूं कि लिक्विड लिपस्टिक लगाते समय या फिर कोई सी भी लिपस्टिक लगाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन से टिप्स हमें फॉलो करने चाहिए, जिससे कि हमारी लिक्विड लिपस्टिक हो चाहे बुलेट लिपस्टिक हो, वो काफी देर तक हमारे लिप्स पर टिकी रहे और उसका शेड भी बहुत ही अच्छा दिखे। आज की वीडियो में मैं जो आपको टिप्स बताने जा रही हूँ, आई एम श्योर आगे आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे और बहुत ही अलग है ये टिप और बहुत ही अच्छा दिखाएंगे आपके लिप्स को अगर आप इन टिप्स को फॉलो करती हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। और आगे बढ़ने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस, मेरे टिप्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपसे मेरी आने वाली कोई भी न्यू वीडियो मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। मेरी सभी फ्रेंड्स ना हमेशा मुझसे कहती है कि तुम लिपस्टिक बहुत ही अच्छे तरीके से लगाती हो, हमेशा ऐसे ही लगता है जैसे पार्लर में लगवाई हो। तो प्लीज अपने सीक्रेट शेयर करो कि तुम किस तरीके से लिपस्टिक लगाती हो, मुझे भी जानना है, हमें भी जानना है। तो सभी मेरी फ्रेंड्स मुझसे पूछती रहती हैं और अक्सर मुझे इंस्टाग्राम पे भी काफी सारे क्वेश्चन आते हैं कि आप लिपस्टिक बहुत ही अच्छे तरीके से अप्लाई करते हो, कैसे करते हो। तो प्लीज मैम शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो में मैं ऐसे ही कुछ टिप्स आपसे शेयर करने जा रही हूँ। दोस्तों प्लीज वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप जान पाएंगे कि ये इंपॉर्टेंट टिप्स कौन से हैं। तो आप देख सकते हो स्टेप वन यहाँ पर है स्क्रब। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले अपने लिप्स को स्क्रब करूंगी और स्क्रबिंग करने से पहले आपको अपनी लिपस्टिक को अच्छे से रिमूव कर लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पर कर चुकी हूँ। और अब हम स्क्रब तैयार कर लेते हैं। स्क्रब के लिए हमें चाहिए यहाँ पर देसी घी और पाउडर शुगर और हनी। सिर्फ इन तीन चीजों की हेल्प से मैं ये स्क्रब आज तैयार करूंगी। तो ये देखिये, मैंने एक क्लीन बाउल में चीनी ले ली है, थोड़ी सी चीनी ले लीजिए। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी ये देसी घी, सिर्फ एक से दो ड्रॉप ही लेनी है, आपने बहुत ज्यादा नहीं लेनी है। नेक्स्ट पेस में ऐड करूंगी हनी, ये देखिए, बस एक से दो ड्रॉप हनी के ले लीजिए और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और इसके बाद अपने लिप्स पर आप दो से तीन मिनट तक स्क्रब कीजिए, जैसे कि मैं यहां पर कर रही हूं। तो ये देखिए हमारा स्क्रब रेडी है। और यहां पर मैंने पीसी चीनी इसलिए ली है क्योंकि पीसी चीनी हमारे होठों के लिए अच्छी होती है और ये बिल्कुल भी चुभेगी नहीं आपके होठों पर, क्योंकि हमारे लिप्स जो होते हैं बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, तो इसलिए हमें सॉफ्ट ही स्क्रब चूज करना चाहिए। और उसके बाद मैंने यहाँ पर देसी घी इसलिए ऐड करा है क्योंकि देसी घी से आपके जो लिप्स हैं वो लंबे समय तक मॉइस्चराइज रहेंगे और फटेंगे भी नहीं, और जितनी भी डैमेज स्किन होती है ना आपके लिप्स पर, उसे ये रिमूव करने में हेल्प करता है। और हनी से आपके लिप्स सॉफ्ट बनते हैं, पिंक बनते हैं और अच्छे से ही आपके लिप्स को मॉइस्चराइज करता है और नरिशमेंट भी देता है। तो ये देखिए, मैंने लिप्स पर दो से तीन मिनट तक स्क्रब अच्छे से कर लिया था और इसके बाद मैंने इसे क्लीन कर लिया है अच्छे से। अब बढ़ते हैं सेकेंड स्टेप की तरफ। जब भी आप कोई लिपस्टिक लगाते हैं, चाहे वो लिक्विड हो चाहे बुलेट लिपस्टिक हो, तो आपको लिपस्टिक अप्लाई करने से पहले स्क्रबिंग के बाद लिप बाम लगा लीजिए अच्छे से अपने लिप्स पर। तो मैं यहां पर लगा रही हूं हिमालय की लिप बाम। आप चाहे तो कोई सी भी लिप बाम लगा सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो। ये देखिए, मैंने लिप बाम लगा ली है। और अक्सर हम क्या करते हैं कि उठने के आलस में ना लिप बाम को लगाना भूल जाते हैं कि हमें बार बार उठना पड़ेगा। तो आप अपने घर के जिस हिस्से में सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं वहीं पर ही आप अपने पास लिप बाम को रख लीजिएगा, इससे आपको आसानी रहेगी और बार बार आपको उठना नहीं पड़ेगा लिप बाम लगाने के लिए। नेक्स्ट जो मेरी टिप है दोस्तों, वो ये है कि जब भी आप कोई लिक्विड लिपस्टिक या फिर बुलेट लिपस्टिक अप्लाई करते हैं तो अपने लिप्स पर आप कंसीलर या फिर कलर करेक्टर जरूर अप्लाई करें। इससे क्या होगा कि आपकी लिप्स के आसपास की जो त्वचा काली पड़ जाती है वो ये काली नहीं पड़ेगी, आपकी त्वचा अब एकदम साफ दिखेगी और कोई भी अगर डार्क स्पॉट होगा तो कलर करेक्टर या कंसीलर की हेल्प से वो अच्छे से कवर हो जाएगा। और इससे एक और फायदा ये होगा दोस्तों कि आपकी जो लिपस्टिक का एक्चुअल शेड होगा वो आपको नजर आएगा, और ऐसा नहीं होगा कि आपने दुकान पर कोई और लिपस्टिक खरीदी और घर आने के बाद उसका जो शेड है वो चेंज हो जाता है। तो इससे ये प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो जाएगी अगर आप कंसीलर या कलर करेक्टर का इस्तेमाल करते हैं तो। और एक चीज का ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जब भी आप कलर करेक्टर या कंसीलर चूज करते हैं तो अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंगली ही आपने चूज करना है, इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। मैं यहां पर लगा रही हूं कलर करेक्टर और ये कंसीलर भी है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया ये टू इन वन काम करता है। और मैंने इसे अपने लिप्स के आसपास भी लगा लिया है ताकि जो भी हल्के फुल्के डार्क स्पॉट है वो अच्छे से कवर हो जाएंगे। इसे फिंगर की हेल्प से भी ब्लेंड कर सकते हैं और ब्रश की हेल्प से भी। और ध्यान रहे कि आपने इसके बाद कॉम्पैक्ट पाउडर या लूज पाउडर अप्लाई नहीं करना है, नहीं तो जो आपकी लिपस्टिक है वो और ज्यादा ड्राई हो जाएगी। तो ये देखिए, मैंने अच्छे से कलर करेक्टर को अप्लाई कर लिया है और अच्छे से इसे ब्लेंड भी कर लिया है। अब मैं करूंगी नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट जो टिप है वो दोस्तों ये है कि काफी बार जिन लोगों को लिक्विड लिपस्टिक लगानी नहीं आती है या फिर लिक्विड लिपस्टिक लगाते टाइम हमारे हाथ कांपते हैं और काफी बार लिपस्टिक इधर उधर हो जाती है, तो ऐसे में आप लिपस्टिक लगाने से पहले लिप लाइनर का इस्तेमाल जरूर कीजिए। सबसे पहली बात, इससे आपकी लिपस्टिक बाहर की तरफ नहीं फैलेगी,
जब भी आप खाना वगैरह खाएंगे या कुछ पीते हैं तो लिपस्टिक अक्सर बाहर की तरफ फैल जाती है, तो इससे ये भी नहीं होगा। और दूसरा, आपकी लिप्स की शेप बहुत अच्छी दिखती है, बहुत ही खूबसूरत दिखती है आपकी लिपस्टिक लगी हुई भी। मैं यहाँ पर सबसे पहले पिंक कलर की लिपस्टिक आपको लगाकर दिखा रही हूँ, तो इसके लिए मैं पिंक कलर का ही लिप लाइनर ले रही हूँ। आप भी इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, जिस भी कलर की आप लिपस्टिक लगाते हैं उसी कलर से मिलता जुलता ही लिप लाइनर आपने लगाना है। ऐसा नहीं है कि पर्पल कलर की लिपस्टिक लगा रहे हैं और रेड कलर का लिप लाइनर लगा रहे हैं, या ब्लैक कलर का काफी लोगों को मैंने देखा लगाते हुए, तो बहुत ही भद्दा दिखता है, बेकार दिखता है, ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। तो मैं यहाँ पर पिंक कलर की लिपस्टिक लगा रही हूँ और पिंक कलर का ही लिप लाइनर ले रही हूँ, आप देख सकते हो। दूसरी बात एक और बता देती हूँ कि कभी भी लिपस्टिक लगाते टाइम या लिप लाइनर लगाते टाइम आपको लिप्स को ऐसे नहीं करना है, क्योंकि इससे लिपस्टिक सही ढंग से नहीं लगती है। तो ये देखिए मैंने लिप लाइनर को लगा लिया है और अब मैं लगाऊंगी लिपस्टिक। अब क्या होता है कि जब भी हम मार्केट जाते हैं तो लिपस्टिक का शेड दुकान पर तो कुछ और नजर आता है, लेकिन जब हम घर आकर लगाते हैं तो उसका शेड कुछ और नजर आता है। तो ऐसे में इस प्रॉब्लम का भी मेरे पास एक सॉल्यूशन है। जब भी आप जिस भी कलर की लिपस्टिक लगा रहे हैं अपने ड्रेस के मैच के हिसाब से ही लगाइएगा। एक और बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप लिक्विड लिपस्टिक लगा रहे हैं, अगर वो पिंक कलर की लिपस्टिक है, मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार यहाँ पर, जैसे कि ये लिक्विड लिपस्टिक है और ये बुलेट लिपस्टिक है, ये एलेडिन की लिपस्टिक है, मैं आपको दिखा देती हूँ शेड भी, ये पिंक कलर का ही शेड है, देखने में आपको शायद रेड लग रहा होगा लेकिन ये रेड नहीं है, पिंक शेड है ये, देखिए। और अब मेरे पास ये है दूसरी लिक्विड लिपस्टिक। तो काफी बार ये होता है, वैसे तो इसका शेड परफेक्ट है जैसा मुझे चाहिए, लेकिन अगर आपका ये शेड लाइट है, बहुत ज्यादा लाइट है, अगर जैसे कि बहुत ही ज्यादा लाइट नहीं है और ना ही बहुत ज्यादा डार्क है, तो अगर आपने इस शेड को थोड़ा सा डार्क दिखाना है और अगर आप चाहते हैं आपकी लिप्स भी काफी देर तक मॉइस्चराइज रहे और आपकी लिपस्टिक जो है वो चिपचिपी नहीं लगे और खाने के बाद भी निकले नहीं, तो इन चीजों का जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों। मैं यहां पर सबसे पहले लगाऊंगी लिप लाइनर के बाद ये एलेडिन की लिपस्टिक और सिर्फ एक ही कोट लगाऊंगी, डबल कोट नहीं। तो ये देखिए मैंने लगा ली है। नेक्स्ट मैं ये किस ब्यूटी की लिक्विड लिपस्टिक लगाऊंगी, और ये मेरी थोड़ी ग्लोसी लिपस्टिक है, जैसे कि एलेडिन आप जानते ही हैं कि बहुत ज्यादा मैट नहीं है, बहुत ज्यादा ग्लोसी नहीं है, तो अच्छी है ये लिपस्टिक, तो आप अपने अकॉर्डिंगली भी लगा सकते हो। और ध्यान रखिएगा ग्लोसी लिपस्टिक ही लगाइएगा। अब मैं यहां पर लिक्विड लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूं। तो आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल शेड लग रहा है, और आप सोचेंगे कि अब ये लिक्विड लिपस्टिक ड्राई तो नहीं होगी। नहीं, ये थोड़ी बहुत ड्राई होगी, जितनी होती है वैसी ही ड्राई रहेगी, तो ऐसी चिंता की बात नहीं है, जितनी ड्राई होती है उतनी हो जाएगी, लेकिन बहुत ज्यादा आपके लिप्स को चिपचिपा नहीं बनाएगी और खाने के बाद भी ये निकलेगी नहीं, एज इट इज रहेगी। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आपने बार बार लिप्स को ऐसे नहीं करना है बिल्कुल भी, और आपने एक से दो कोट ही अप्लाई करने हैं लिक्विड लिपस्टिक के। बहुत ज्यादा लेयर अप मत करिएगा लिपस्टिक को, बहुत ज्यादा कोट अप्लाई मत कीजिएगा बार बार। काफी लोगों की आदत होती है रिप्लाई करने की कि बार बार वो लिपस्टिक को लगाते रहते हैं, तो ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आप इस तरीके से लगाते हैं जिस तरीके से मैंने आपको यहां पर बताया है, तो इससे आपके लिप्स भी काफी देर तक मॉइस्चराइज रहेंगे, आपकी लिपस्टिक चिपचिपी नहीं लगेगी और एज इट इज स्टिकी रहेगी, और खाने के बाद भी ये निकलेगी नहीं, तो यह आप देख सकते हो। और इससे आपको आपकी लिपस्टिक का परफेक्ट शेड भी मिल जाएगा, और अगर आप डार्क या लाइट शेड चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आप इन लिपस्टिक को चूज कर सकते हो। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ, मेरी लिपस्टिक ड्राई हो चुकी है और ये देखिए बिल्कुल भी निकली नहीं है, ये देखिए, और बिल्कुल किस प्रूफ ही है ये लिपस्टिक, ये देखिए। तो ये भी एक बहुत अच्छी ट्रिक है, आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको एक और कोट लगाना है, तो पहली लिपस्टिक के सूख जाने के बाद ही दूसरे कोट को अप्लाई कीजिएगा। नेक्स्ट मैं आपको यहां पर एक शेड और लगाकर दिखा देती हूँ दोस्तों। मैं यहां पर ले रही हूँ ये पर्पल कलर का शेड, या सोचेंगे आपको मैरून शायद नजर आ रहा है, लेकिन ये मैरून कलर नहीं है, ये पर्पल कलर है, बहुत ही ज्यादा डार्क है ये पर्पल। लेकिन इस लिपस्टिक के साथ मेरी ये प्रॉब्लम है कि ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है, तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ आपको बता देती हूँ। ये आप देख सकते हो, ये है मिल्की ग्लो मैट लिपस्टिक है, ये मैंने लोकल मार्केट से ली थी, बहुत ही अच्छा शेड है, ये देखिए डार्क पर्पल कलर का शेड है, और ये भी थोड़ी ग्लोसी लिपस्टिक है, बहुत ज्यादा मैट लिपस्टिक नहीं है। तो इसे अप्लाई करने से पहले मैं यहां पर लिप लाइनर लगा लेती हूँ। तो यहां पर मैं ये पर्पल कलर का लिप लाइनर ले रही हूँ, ये आपको ब्राउन नजर आ रहा होगा, ये देखिए ये पर्पल कलर है, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए। तो ऐसा भी काफी बार होता है कि आप जो एक्चुअल शेड दिखाना चाहते हैं वो कैमरा वो शेड नहीं दिखाता है, तो इस चीज को प्लीज समझिएगा थोड़ा सा। तो अब मैं लिप लाइनर लगा लेती हूँ, अब मैं लगा लूंगी ये बुलेट लिपस्टिक। तो ये देखिए ये बहुत ही प्यारा शेड है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया था ये शेड। इसके बाद मैं लगा रही हूँ अपनी पर्पल कलर की लिपस्टिक, और ये भी लिक्विड लिपस्टिक है।
अब एक चीज और बताना चाहती हूँ दोस्तों यहाँ पर कि अगर आप लिपस्टिक लगाने में परफेक्ट हैं बिल्कुल, तो आप इस एप्लीकेटर की हेल्प से ही अपने लिप्स को शेप देते हुए लगा सकते हो। लेकिन जिन लोगों को लिक्विड लिपस्टिक एप्लीकेटर से लगाने की प्रैक्टिस अच्छे से नहीं है, तो वह लिप लाइनर को जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। तो ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये शेड भी, क्योंकि काफी बार मेरा डार्क कलर की लिपस्टिक लगाने का मन होता है तो मैं इसी तरीके से लगाती हूँ। तो ये देखिए आप देख सकते हो, तो मुझे बहुत ही प्यारा लगा ये कलर, आपको कैसा लगा बताइएगा कमेंट करके। और ये टिप उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी है जिन्हें डार्क कलर की लिपस्टिक लगाना पसंद है, वो इस तरीके से भी लगा सकते हैं। बस इस चीज का ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आपको लिक्विड लिपस्टिक की बार बार लेयर नहीं बनानी है, बार बार इसे अप्लाई नहीं करना है, सिर्फ एक से दो कोट काफी होंगे। और दूसरा कोट भी आपने तब लगाना है जब आपका पहला कोट सूख जाए अच्छे से। एंड में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी देना चाहूंगी दोस्तों यहाँ पर, कि जब भी आप खाना खाते हैं तो कभी भी गरम गरम से खाना एकदम बिल्कुल मत खाइएगा। बहुत ज्यादा गरम खाना खाने से भी हमारे जो लिप्स है वो खराब हो जाते हैं और उनके आसपास की त्वचा जो है वो काली पड़ने लगती है। इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा कि बहुत ज्यादा ठंडे पदार्थ नहीं खाने चाहिए और बहुत ज्यादा गर्म खाना भी नहीं खाना चाहिए, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। और खूब सारा पानी पीजिएगा, हेल्दी डाइट लीजिएगा, ग्रीन वेजिटेबल्स लीजिएगा, फ्रूट्स लीजिएगा और ड्राई फ्रूट्स भी जरूर खाइएगा। इससे भी आपके जो लिप्स हैं वो अच्छे बने रहेंगे, आपकी स्किन अच्छी बनी रहेगी। और आपकी स्किन और लिप्स अगर अच्छे बने रहते हैं तो हमें अंदर से ही बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है, इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों। और हफ्ते में 2 या 3 बार अपने लिप्स को स्क्रब अच्छे से कीजिएगा, और अगर आप वर्किंग वुमेन है तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि बाहर जाने से भी हमारे लिप्स जो है वो डर्ट और पॉल्यूशन के कारण काले पड़ने लगते हैं और बेकार होने लगते हैं और स्किन जो है वो डैमेज होने लगती है, ड्राई होने लगती है। तो इन चीजों का जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों, खाने पीने का ध्यान अपने जरूर रखिएगा और दूध जरूर पीजिएगा, अपने मील में दूध को जरूर शामिल कीजिएगा, दूध को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। सो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको मेरी ये आज के टिप्स अच्छे लगे हों, और अच्छे लगे तो प्लीज फ्रेंड्स मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। और आई एम श्योर फ्रेंड्स कि अगर आप इस तरीके से लिपस्टिक लगाते हैं तो आप भी वाह वाही जरूर लूटेंगे, और मुझे जरूर बताइएगा कि आपने इन टिप्स को ट्राई किया या नहीं किया। आप एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा दोस्तों, और ट्राई करने के बाद ही मुझे वापस से कमेंट करिएगा कि आपको ये टिप्स कैसे लगे। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पर भी। मैं आपसे मिलती हूँ और भी अमेजिंग सी वीडियोज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।